ये आ चुकी है हीट पे, ठीक ना। अब इसको मैटिंग करवाना है हमें। तो गाइस कल मैं लेके गया था अपने रॉक्सी को मैटिंग करवाने के लिए, लेकिन मैटिंग हो नहीं पाई वहाँ पे। तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के टाइम में, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ले रखा था एक न्यू डॉग और एक रॉट की फीमेल, जो कि यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। वही एक मिनट गाइस, वो रही गाइस नीचे, ठीक ना। तो इसको मैंने जिससे लिया था गाइस, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा एक बात गलत कही कि ये इसकी ये जिगम है, क्योंकि ये आ चुकी है हीट पे, ठीक ना। अब इसको मैटिंग करवाना है हमें, और आज हीट पे आई, उसके नौवा दिन है, तो आज ही मैटिंग करवाना है। हो सके तो अभी लेके जाऊँगा इसको मैटिंग कराने के लिए। और मेल बहुत तगड़ा है भाई, ठीक ना। तो कोई बात नहीं भाई, बता देते साफ कि इतनी एज है, हीट पे आ जाएगी। उन्होंने बताया कि भाई पप्पी अभी है वो, और जैसे वीक थी इसलिए जिसको पार वायरस हुआ था, बट अब सही है, ठीक ना। तो आज इसकी कराएंगे हम मैटिंग, अभी लेके मैं निकलने वाला हूँ, लगभग 10-15 मिनट में इसको निकलेंगे, मैटिंग करवाएंगे इसका, देखते हैं आपको भी दिखाएंगे जो होगा। चलते हैं पहले वहाँ पर। और तो गाइस कल मैं लेके गया था अपने रॉक्सी को मैटिंग करवाने के लिए, लेकिन मैटिंग हो नहीं पाई वहाँ पे गाइस, क्योंकि थोड़ा मेल एक्सपर्ट नहीं था। तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे हम रुके और वापस आ गए अपने फीमेल को लेकर के, वहाँ पे मैटिंग हो नहीं पाई। और ये रही रॉक्सी, रॉक्सी इधर आ जा, यहाँ पे आ, डर मत भाई, इधर आ रॉक्सी आ। तो ये रही रॉक्सी घूम रही अपनी मस्त, ठीक ना। तो वहाँ पे मैटिंग हो नहीं पाई गाइस, वो आज थोड़ी सी दूर ले जाना पड़ेगा, लगभग 60-70 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ेगा। इस हालत ख़राब हो जाने वाली पक्का भाई, तो देखते हैं जब आज ही जाएंगे वहाँ पे होती है कि नहीं, तो फिर आप सुन। तो गैस अभी बज रहे हैं 3:30, और 4 बजे से मुझे निकलना है गैस वहाँ के लिए, आजमगढ़ के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पे होगी मैटिंग, और गैस 4 बजे निकलूँगा, 5:30 बजे तक पहुँचूँगा, फिर 1 से 1.5 घंटे लगेंगे मैटिंग में, मतलब 5:30-6 बजे तक मैटिंग होगी, और फिर मतलब 7 बजे तक मैटिंग होगी, 7 बजे से वहाँ से रिटर्न चलूँगा, और भाई लगभग 8:30-9 बजे तक घर पर आऊँगा। गाइस हालत फुल ख़राब होने वाली गाइस, 60-70 किलोमीटर जाना भाई बाइक पे, भाई डॉग को लेकर के, वो भी पैर पे बैठा करके। वैसे मैं और पापा जाऊँगा, मैं थोड़ा सा मतलब पतला सा हूँ ना, तो एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, बट मुझे दिक्कत होती है, मैं क्योंकि मैं उतना ट्रेवल करता नहीं हूँ। और बाकी तो रॉक्सी वो वहीं से आई थी, तो वहीं पर ले जा रहे हैं इसको मैट कराने के लिए, क्योंकि इसके जो पुराने ओनर ये थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है मैटिंग के टाइम पर, ठीक ना। तो ये वही करा पाएंगे इसको मैट, वो कह रहे हैं मेरे पास लाओ मैं करा दूँगा। वहीं पर मेल भी है, वहीं पर इसके ऑनर भी हैं, तो अपने पुराने ओनर से भी ये मिल लेगी और मैटिंग भी हो जाएगी, तो आज ले चलेंगे इस वहीं पे। और भाई सोच सोच के मेरा हालत ख़राब हो रहा है कि आधे घंटे बाद मैं निकलूँगा, और भाई एक बार धूप चेक करो और, ठीक ना भाई, धूप भाई देख ही नहीं रहा भाई, ये देखो धूप इतनी तेज है ना भाई, ठीक ना। और 4:30 से हम लोग निकल जाएंगे, 4:10 तक भाई दिक्कत होने वाली है, बट कोई बात नहीं, ये गमछा ले लूँगा उसके लिए, रॉक्सी के लिए ऊपर डाल दूँगा, ठीक ना, चलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो गैस अभी निकलने वाले हैं हम आजमगढ़ के लिए, ठीक ना, मैटिंग करवाने के लिए। और शाम 4:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन फिर 4 बजे से 5 बजने वाले हैं, तो 5 बजे से निकलेंगे, ठीक ना। और सूज वगैरह भी आज पहन लिया, क्योंकि ट्रिप दूर का है, तो सूज वगैरह अपने सेफ्टी के लिए पहन लेना चाहिए, ठीक ना। तो आज मैं सूज पहन के जाऊँगा, क्योंकि बहुत दूर है, 50-60 किलोमीटर है, तो हालत तो मेरी ख़राब होने वाली है, अप डाउन लेके 100, 110, 120 पड़ेगा, ठीक ना। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, अभी तो पापा तैयार हो रहे हैं, तो देखते जो होता है। तो गैस शाम के 5 बजे चलने का नतीजा ये है कि रात के 8 बज गए, और मैं अभी को लेके आया हूँ यहाँ पे, और अभी हमको 60 किलोमीटर रिटर्न भी जाना है, 12:00-1 बजे आने वाले हैं। अभी मेल आया भी नहीं, मैट भी नहीं हुई, तो भी आता फिर आपको दिखाते हैं भाई। तो गैस अभी बज रहे हैं रात के 12, और मैं आया तो 11:30 बजे घर पे, ठीक ना। तो अभी भैरव को डाइट दे रहा हूँ, ठीक ना, ये भैरव की डाइट आ गई है। और गैस जाने आने में हालत ख़राब हो गई, बट मैं रॉक्सी को लेने आया, रॉक्सी वहीं पर कल आने वाली है रॉक्सी, ठीक ना। भैरव आ चुका है, तो भैरव को इसकी डाइट देते हैं, फिर व्लॉग को करते हैं एंड। तो गैस वहाँ पर भी मैं गया, बट जिम तो रॉक्सी मैट नहीं हो पाई, और फिर मैं जब वहाँ से रिटर्न आ रहा था, उसके बाद उन्होंने मैटिंग वगैरह करवाई, उन लोगों ने पकड़ पकड़ के, फिर सुबह में करवाएंगे एक बार और लेके आएंगे। तो
घर तक पहुँचा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। घरों की डाइट ये आ चुकी है। तो गाइस होप करता हूँ ब्लॉग पसंद आया, तो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलता है सीधा अगले ब्लॉग में।